जो काम गुरु पहले करना होता है वो आप हमेशा आखिरी, जो काम आखिरी में करना होता है उसको पहले करके बैठ जाते हो। अभी कनेक्ट हो रहा था, फिर कनेक्ट नहीं होने लगा आधे घंटे से। यहाँ पे आप चेक करो ना, अभी आपके तो डाउनलोड मोड पे भी नहीं जा रहा था, जब हमने देख करके आपको बताया तो आपसे एक बार में चला गया। तो कहीं ना कहीं जो आप अपने सैमसंग के नोट्स फॉलो नहीं कर रहे हो, अपने सैमसंग के नोट्स को देखिए और उसके हिसाब से फॉलो कीजिए। नई केबल लगा लो मेरे भाई, हो सकता है केबल कनेक्ट ना हो रही हो कनेक्टर पे। और किसी के पास कोई सवाल हो तो सवाल वो पूछ सकते हैं। जिनका लावा का फोन था वो अपनी स्क्रीन शेयर कर दे, उनका फोन करवा दे। सर कर रहे हैं तुरंत, लेकिन पहले मिराकल खोल लेना, पहले बिना इंटरनेट के मिराकल खोल लेना। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे। हाँ जी बताएं। ऐसा इलाज ये कौन सी होती है सर, ये नहीं मेरी समझ में आई आज। कौन सी ऐसा इलाज तुम्हें चेक करनी होती है ना भैया? देखिए बीएसआर बैटरी होता है, बैटरी बैटरी में तीन पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और जो तीसरा वाला होता है वो बीएसआई होता है। उसका काम होता है बैटरी का परसेंटेज बताना, बैटरी कितनी गर्म हो रही है ये सब बताना, मतलब एक प्रकार से सेंसर का काम करता है वो पॉइंट। एक तो फोन में वो ऑफ में चार्ज तो कर रहा है लेकिन ऑन में चार्ज तो नहीं कर रहा है, किस चीज का प्रॉब्लम है? चार्जिंग आईसी की प्रॉब्लम होती है, चार्जिंग आईसी की प्रॉब्लम होती है। अगर वो चार्जिंग आईसी पावर में लगी है तो फिर पावर आईसी की प्रॉब्लम होती है। हाँ हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑफ में चार्ज हो रहा है, ऑन पे चार्ज नहीं हो रहा है, ये पावर आईसी या चार्जिंग आईसी की दिक्कत होती है। सर एक एमआई का फोन है उसमें अपना कॉल अपने आप उठ जाता है, अपने आप कॉल उठ जाता है, ऑटो आंसर ऑन होगा, फोन को रीसेट मार दीजिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी सर। या तो आप ऑटो आंसर वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए कहाँ मिलेगा, क्योंकि हर मोबाइल के फंक्शन कहाँ होते हैं ये हमें आइडिया नहीं है। तो अगर आप ऑटो आंसर का ऑप्शन ढूंढ सकते हो तो ऑटो आंसर ढूंढ लीजिए, और अगर ऑटो आंसर नहीं मिल रहा है तो फोन की सेटिंग रीसेट कर लीजिए, डाटा पैक रीसेट वाले ऑप्शन में सेटिंग रीसेट का ऑप्शन मिलता है। हाँ जी बोलिए। ओप्पो का फोन दिखा रहा हूँ आप देखिएगा। कहाँ पे दिखा रहे हैं आप, स्क्रीन शेयर कर रहे हो कि अपने कैमरे पे दिखा रहे हो? किस नाम से है आप? एक मिनट ढूंढने दीजिए पहले आपको। हाँ तो ये क्या दिखा रहे हैं, चालू बंद हो रहा है, चार्ज में लगाने पे होता है, रिकवरी मोड पे जा रहा है सर। और नहीं चार्जर हटाने पे क्या बोल रहा है? हटाने पे मोबाइल बंद हो जा रहा है, चार्जर हटाने बंद हो जा रहा है, पहले बैटरी बदल लिए इसकी। अच्छा। वो हरकत बैटरी पर भी होनी चाहिए तब तो सॉफ्टवेयर से देखा जा सकता है। जी सर। लेकिन अगर वो हरकत बैटरी पर नहीं दिखाई दे रही है
तो इसका सीधा मतलब है कि पहले तो बैटरी की प्रॉब्लम है। यस सर। चार्जर खींचे बाहर, चार्जर खींचने पर बंद हो जाता है। अगर चार्जर खींचने पे बंद हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी बैटरी से तो प्रॉब्लम है ही। यस सर। तो अगर बैटरी से प्रॉब्लम है तो सॉफ्टवेयर चाहे आप 10 दिन तक करते रहिए, कोई भला नहीं होने वाला है। तो इसमें पहले दूसरी अच्छी क्वालिटी की बैटरी लगाइए और उसके बाद देखिए क्या नौटंकी है। अब भैया रिकवरी मोड में चला जा रहा है, तो बताइए क्या चाहते क्या है आप? हम बस इसको ऑन करना चाहते थे और क्या था, 97% बैटरी भी दिखा रहा है सर, लेकिन चार्जर पिन जैसे हटा दे वैसे बंद हो जाता है। हाँ तो चार्जर पिन हटा देते हैं तो उसके बाद का सीधा मतलब क्या हुआ? बैटरी इसका कमजोर है सर। तो अब इसके बाद आपको पहला काम क्या करना होगा? बैटरी चेंज कैसे? तो करिए, अब नहीं मिल रही तो बताइए अब इसके आगे हम क्या करें? आप पैसे हमारे अकाउंट में भेज दीजिए, हम कोरियर लगाए दे रहे हैं आपकी बैटरी। कितना मिल जाएगा भाई? इसकी बैटरी होगी ऐसे ही 450 रुपए की, 6 महीने गारंटी वाली, और जो लोकल वाली बैटरी होगी वो 250 रुपए की होगी। सिमेटिक डायग्राम का कोई फ्री टूल का है कोई ऐसा नाम? नहीं। सर जी ये क्या आ जा रहा है? में एरर आ रही है, इसके लिए आपको करना ही होगा पहले फोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी हटा दीजिए फोन की। इसके बाद आप अपने कंप्यूटर से इंटरनेट बंद कर दीजिए और मिराकल को बंद करके दोबारा से खोलिए, और जब मिराकल खुल जाए तब उसके बाद नेट चालू करके स्क्रीन शेयर कीजिए। हेलो सर। हाँ जी, ये ऐप क्यों से भी सर जियो वाला ये उसके बाद फ्री ऑन नहीं होता है, लाइट जल रही था तो बटन बात है वो काम करता रहेगा, लाइट मिलने वाला सर इसके लिए या तो पावर आईसी आपकी दिक्कत कर रही है, या आसपास लगा हुआ जो लाइट आईसी होती है, लाइट क्वाइल होता है, वो दिक्कत कर रहा है। लाइट ग्राफिक्स भी चले जाते भैया, जब लाइट है बुझ जाएगी तो ग्राफिक्स कहाँ से दिखाई देगा? नहीं, के बैठे भी है। भाई 100% हार्डवेयर प्रॉब्लम है, 1% भी सॉफ्टवेयर पे लेना देना नहीं है इसका। सर ये ऑलरेडी रिपेयर हुआ है सर, और इसको जो लाइट है ना सर, हाँ जी, वो डायरेक्ट कर दिया गया है सर, इसलिए ये बार बार हो रहा है। तो जैसे ये बटन दबाकर निकल जाता है जी सर, हार्डवेयर का वही चीज मैं इनको बता रहा हूँ कि लाइट चेक करने में भाई, इसमें ये क्या है, कीपैड फोन है, या तो पावर आईसी से लाइट सक्शन निकल रहा होगा या फिर लाइट का कॉइल लगा होगा। जी सर, इसको डायरेक्ट कर दिया गया सर, जम्पर किया होगा इसको, रिपेयर्ड फोन है ये, देखिए। हाँ तो वही चीज, तो ग्राफिक्स सर आना चाहिए ना भैया, ग्राफिक्स इसमें ये जो डिस्प्ले होती है ये इतनी ब्लैक डिस्प्ले है कि ग्राफिक्स आपको टेढ़ा करने पर नहीं दिखाई देगा। ये भी हो सकता है कि लोकल डिस्प्ले लगी हो, अगर लोकल डिस्प्ले लगी होगी तो टॉर्च दिखा करके भी वो दिखाई नहीं देगा। सर मेरे पास में कल ओप्पो A15 था सर, मैंने उसको कल अनलॉक कर रहा था तो कुछ इश्यू दिखा रहा था, मैंने ग्रुप में पोस्ट डाला, अनलॉक नहीं हो रहा था। किस से आप अनलॉक कर रहे थे उसको? सर UMT से, लेटेस्ट वर्जन था UMT का, उससे कर रहा था मैं, वन क्लिक UMT दे रखा था वहाँ पे।
अभी आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो मोबाइल? जी सर, अभी शॉप मार्केट बंद है आज 3 दिन के लिए। भाई देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक क्लिक का फर्क है। नहीं सर, ऐसे कुछ दिखा रहा है एमपीके विंडो एरर, ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है। हाँ, वो ऑप्शन इसलिए आ रही होगी कि आपका LID USB ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा। सर उसको मैंने डिलीट करके दोबारा भी इंस्टॉल किया था। LID USB ड्राइवर कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। LIB USB, वो LIB USB ड्राइवर आपको अलग से करना पड़ेगा, और जब पोर्ट बनाएंगे तो उसके साथ उसको पैच करना होगा। बहुत माइनर सी दिक्कत है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज कहीं कहीं कुछ ना कुछ कमी है। पेंच करने के बाद में भी सर 2-3 बार में यूज करके देखा ना, तब भी ये इशू दिखा रहा था। फिर एक बार मैंने घंटा भर बाद में किया ना, तब हो गया सर वो। तो हो सकता है घंटा भर बाद में आपने कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया हो। जी सर। हाँ, तो ड्राइवर अपने लाइन पे आ गया। कई बार आपको ड्राइवर इंस्टॉलेशन के बाद बोलता है ना कि ये ड्राइवर वर्क करेगा रिस्टार्ट के बाद। जी सर। और सर, जैसे कि J7 की FRP अनलॉक कर रहा था UMT से, तो सर FRP अनलॉक डन दिखा रहा है उसमें, और जैसे सेट ऑन कर रहा हूँ तो वहाँ पे ओके मांग रहा था। तो मैंने बेसिक तरीके से उसको रीसेट कर दिया बटन से। रीसेट करने के बाद में FRP दिखा रहा है। हाँ, तो वो ऐसे थोड़ी नहीं होगा, उसको फिर आपको नेक्स्ट में नेक्स्ट करके आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के बाद OEM ऑन करके तब उसके बाद उसको वहाँ से फॉरवर्ड करना होगा। नहीं सर, वहाँ तक आए जाए नहीं सकते। जैसे कि उसकी FRP अनलॉक कर दी तो स्क्रीन भी ओके दिखा रहा है, जैसे कि कुछ एरर दिखा रहा था ओके का, नेक्स्ट वाला सिस्टम नहीं दिखा रहा था सर। अब वो प्रॉब्लम आप हमारे सामने यहाँ क्लास में दिखाइए। व्हाट्सएप में कर किया था सर मैंने उसको। देखिए, व्हाट्सएप पे जवाब हम नहीं देंगे। हमारा टाइम आप लोगों के साथ 8 बजे से 10 बजे का है। मैं सिर्फ 8 से 10 आपके साथ हूँ। उसके अलावा मेरे पास भी और काम होते हैं, तो जरूरी नहीं है मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ। उसका कुछ सलूशन तो बता सकते हो आपने इमेज देखो। देखिए, उस इमेज में साफ दिखा रहा है कि आपका जो आपने UMT से उसको किया है, उसके बाद उसमें अनफॉर्चुनेटली की एरर आ गई है। और वो अनफॉर्चुनेटली की एरर में अब आप करिए क्या कि आपने फोन रीसेट मार दिया है, दोबारा से इसको UMT से फिर से FRP कीजिए, और वहीं पर तुरंत भाग करके पहुंचिए जहां पे ये लेके जा रहा है, और जितनी जल्दी हो सके OEM ऑन करके फोन को रीसेट मार दीजिए। क्योंकि अगर आप UMT से फॉर्मेट करने के बाद 15 सेकंड तक OEM ऑन नहीं कर पाए, और 15 सेकंड से 20 सेकंड में आप उसको फॉर्मेट नहीं कर पाए, तो उसकी मेमोरी फुल हो जाती है, और फिर आपके सामने अनफॉर्चुनेटली सिस्टम हैज बीन स्टॉप्ड, अनफॉर्चुनेटली सिस्टम हैज बीन क्रैश्ड, इस टाइप के मैसेजेस आने चालू हो जाएंगे। 20 सेकंड के अंदर मोबाइल आपको पकड़ लेगा कि आपने उसकी बाईपासिंग की है। तो इसका एक सेफेस्ट तरीका यह है कि आप इसकी बाईपासिंग कर लीजिए। जी सर, ऐसे कर सकते हैं उसको, फिर हार्ड रीसेट मार के FRP अनलॉक कर दीजिए, बाईपास कर ले। हाँ जी, आप बाईपास कर सकते हैं। बाईपास नहीं समझ में आ रहा है, आप कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड कर लीजिए, और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैशिंग मेथड से आप उसको कर सकते हैं। नहीं सर, बाईपास कर लेता हूँ सर। और एक और सरल तरीका है कि पंकज सर को 20 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, वो ऑनलाइन टीम व्यूअर पे आपका सिस्टम ले करके और 20 रुपए में आपका फोन अनलॉक कर देंगे 1 सेकंड में। जी सर, बाईपास कर लेते हैं। ऑप्शन कई सारे आपके पास है। जी सर, बहुत ही कोशिश तो सर मैं अपने आप से करता हूँ, तो मैं बाईपास कर लूँ, एक वीडियो नहीं तो 10 वीडियो देख के। बिल्कुल, प्रोसेस ही वही कहता है, ये जितना मैक्सिमम आप बाईपास करोगे उतनी ज्यादा सक्सेस आप होगे, क्योंकि कई मोबाइल आपके पास बाईपास करने के लिए ऐसे आ जाएंगे जो कि कंप्यूटर पे कनेक्ट नहीं हो रहे होंगे, जिनका कनेक्टर डैमेज होगा। जी सर, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बाईपास की नॉलेज आपके काम आएगी। जी सर, जेक का इशू आता है तब कनेक्ट नहीं होता है, तब उसको बाईपास कर लेते हैं। जी सर, कॉम्बिनेशन फाइल क्या है, इसको कैसे किया जाता है?
देखिए कॉम्बिनेशन फाइल एक सिस्टम फाइल होती है जो कि मोबाइल को फैक्ट्री मोड पर चालू करती है। तो आप कॉम्बिनेशन फाइल जब डालेंगे मोबाइल पे तो मोबाइल हाफ लोड पर चालू होता है। जैसे कंप्यूटर में जब एरर आ जाती है तो हम लोग कंप्यूटर को सेफ मोड पर चालू करते हैं। तो वैसे मोबाइल को सेफ मोड में चालू करने के लिए स्टार्ट बटन पहले शो करो, हैंडल फाइल डिलीट। आपका स्टार्ट बटन फटा हुआ है? फटा हुआ नहीं है, वो क्लिक किया था ना इसीलिए। तो अब स्टॉप क्यों नहीं हो रहा है? चार्ज नहीं लग रहा है। अरे मोबाइल को चार्ज देने से सॉफ्टवेयर का कोई लेना देना थोड़ी नहीं, सॉफ्टवेयर तो आपका बंद होना चाहिए। और जिसको भी पूछना हो पूछ सकते हैं, 8 मिनट खाली बचे हैं क्लास के। तो पंकज सर की क्लास चलेगी ना आज? हाँ चलनी तो चाहिए, ऑनलाइन भी है वो, उन्होंने देखे कोई लिंक भी देंगे आपको वो बराबर। सर वो कॉम्बिनेशन फाइल के बारे में बता रहा था, क्लियर नहीं हुआ था। हाँ कॉम्बिनेशन फाइल जो होती है भैया वो मोबाइल को हाफ ऑन करने के लिए होती है, यानी कि टेस्ट मोड पे। और जब आप कॉम्बिनेशन फाइल डालते हैं तो उसके बाद आप ओवीएम ऑन करके फोन फॉर्मेट कर दीजिए, उसके बाद मेन फाइल से फ्लैश करके आप मोबाइल चालू कर सकते हैं बिना एफआरपी के। जैसे जब कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप सेफ मोड पे चालू करके कंप्यूटर को जो आपकी जरूरी चीजें हो उनको बचा लेते हैं और उसके बाद आप विंडोज कर देते हैं तो आपका कंप्यूटर ठीक हो जाता है। वैसे ही मोबाइल के साथ भी है कि जब आप कॉम्बिनेशन फाइल डाल देते हैं तो मोबाइल बाइनरी मोड पर चालू हो जाता है और जो आप जरूरी काम करना चाहते हैं जरूरी काम करके उसके बाद उसको फ्लैश कर देते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब ये देखिए आपने इंटरनेट के साथ मिराकल खोल दिया है भैया, जिनकी भी ये स्क्रीन शेयर है उन्होंने इंटरनेट के साथ में मिराकल खोला है और इसकी वजह से ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं अब ये मिराकल सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं। पहले मिराकल सॉफ्टवेयर को बंद कीजिए, इंटरनेट को बंद कीजिए और उसके बाद मिराकल खोलिए। जी सर कर रहे हैं, वरना ये क्वेश्चन मार्क जब तक आते रहेंगे तब तक मिराकल आपका चलेगा नहीं।
चलिए, लगता है अब आप किसी के पास कोई सवाल बचे नहीं, चार मिनट में लिंक अपने आप कट हो जाएगा। सर मेरा वाला करवा दीजिए सर, हो गया है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, जब तक लिंक था तब तक हम मौजूद हैं भाई, हम लिंक काटते। जब अभी चार पांच मिनट बाकी हैं, जब तक लिंक रहेगा तब तक हम मौजूद हैं, लिंक के बाद हमारा टाटा बाय बाय। फिर उसके बाद आप परसों मुलाकात होगी, कल संडे है। मेरा सिस्टम खराब हो गया, दूसरा सिस्टम किए हैं, बहुत दिक्कत है। आने की दीजिए स्पीड। हाँ ठीक, अब आपने करना ये है, ठीक है, फॉर्मेट पे ठीक है, स्पीड पे ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। यस पे क्लिक कीजिए, नहीं लो पे, लो पे, लो पे, लो पे स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप करिए, एक महीने या पार लेने दीजिए। हाँ, आप कनेक्ट कराइए फोन, बटन कोई मत दबाइएगा, बिना बटन दबाए कनेक्ट कराइएगा। ओके करें सर, एक मिनट रुकिए, खाली एफआरपी हटानी की फॉर्मेट भी करना है, सिर्फ एफआरपी, यूजर डाटा का टिक हटा दो, ओके कर दो, हटा लो एफआरपी खत्म। फोन हटा करके ऑन करके चेक करो, एफआरपी खत्म। थैंक यू सर, ठीक है, बस इतना ही करना होता है। कौन सा मोबाइल था? लावा का था, कोई मॉडल नंबर नहीं मालूम। चलिए, मॉडल नंबर उनको भी नहीं मालूम है, मॉडल नंबर उनको भी नहीं मालूम है। अब मोबाइल अगर मेरे हाथ में हो तो हम जरूर बता सकते हैं, लेकिन अब दूर से दिखा रहे हैं वो मोबाइल तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा मॉडल है। कुछ मॉडलों की हस्ती है, जैसे सर, जैसे J2 हो गया, J5 हो गया, जी सर हो गया। सही कीजिए, कुछ प्रॉब्लम को सही करना मेरे को नहीं आता है।
मेरा काम है आपको गाइड करना, तो मैं अपनी तरफ से आपको पूरी गाइडेंस दे रहा हूँ, लेकिन मेरी बताई गई बातें अगर आप ध्यान में रख करके काम करोगे नहीं तो वहां पर मेरी कोई फॉल्ट नहीं है। जैसे हमारे ध्रुव जी वो खड़े हैं, 2-3 महीने पुराने स्टूडेंट हैं जो अभी सैमसंग का कर रहे थे, उनके डाउनलोड मोड पे नहीं जा रहा था, और जब मैंने उनकी स्क्रीन शेयर देख करके डाला तो वो एक बार में गया। अब उनको हमने सिखा रखा हुआ करे कीजिए, उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बाकी सब कुछ पहले कर रहा नहीं, फोन कनेक्ट सबके आखिरी में कराएंगे। और जब